नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं अरविंद सिंह। जहां एक ओर चुनाव अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है तो वहीं दूसरी ओर प्रत्याशियों की सरगर्मी सभा पर है। हकीकत में तो दिग्गजों की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं दूसरी ओर हर एक प्रत्याशी अपने आप को जीता हुआ मान चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और अपने मतदाताओं को लुभाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी संबंध में जब हमारी आईबी इंडिया न्यूज टीम की उदौली से नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के विचारों को जानने की कोशिश किया, जिसमें सपा से जब्बार अली, बसपा से नरसिंह बानो, बीजेपी से अशोक कसौधन तथा AIMIM से तारिक रुदौलवी से उनके विचारों को जाना गया कि अगर वो अपने क्षेत्र से जीत हासिल करते हैं तो रुदौली की जनता को किस तरह का बदलाव देंगे तथा उनके लिए क्या क्या करेंगे। देखिए आईबी इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। जी नाम बताएं। मैं जब्बार अली, प्रत्याशी समाजवादी पार्टी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद रुदौली। रुदौली के किन मुद्दों को आधार बना के आप चुनाव मैदान में आए हैं और अगर आप चुनाव यहाँ से जीतते हैं तो किस तरह का रुदौली की जनता को बदलाव देना चाहेंगे? रुदौली में कोई मुद्दा नहीं है। 15 साल नगर पालिका परिषद के हम चेयरमैन रह चुके हैं और बदकिस्मती से लोगों की पिछली बार मामूली 300-400 वोटों से हार गए। इस बार पूरी जनता जो है मूड बना चुकी है। रुदौली की लगभग 70-75% जनता जो है वो हमारे साथ और हमको वोट दे रही है, पूरी तरीके सपोर्ट कर रही है और अल्लाह ने चाहा तो 22 तारीख को बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप जो है इससे पहले समाजवादी पार्टी से रहे, एक चर्चित चेहरे के नाम से रुदौली में जाने के, उसके बाद आप बसपा में आए, बसपा से फिर समाजवादी पार्टी, फिर बसपा, समाजवादी, इस तरह का सफ़र के कैसा रहा आपका? मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये जो आप कभी बसपा कभी सपा? देखिए वो राजनीति में कहीं ना कहीं आदमी इधर उधर हो जाता है, उसके लिए कोई, लेकिन हम लोग पुराने जो है, हमारा लोगों का जो इतिहास है 1995 समाजवादी का था, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस होने की वजह से हम लोग थोड़ा इधर उधर होते हैं, लेकिन जो है हम लोग हमेशा सपा में थे और सपा में विश्वास रखते हैं और सपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी हिंदू मुस्लिम और सभी जातियों को लेकर चलने वाली पार्टी है। विकास के किन मुद्दे को आधार बना के आप चुनाव मैदान में आई हैं? यदि आप चुनाव अगर जीतती हैं तो रुदौली में किस तरह का बदलाव लाएंगी, क्या प्राथमिकताएँ क्या हैं? हमारी प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले जो है रुदौली नगर में महिलाएं अंगोछा बनाती हैं उसको खत्म करना, उनको कोई रोज़गार अच्छा दिलाना, उपलब्ध कराना। दूसरी हमारी प्राथमिकता है कि यहाँ पर जो बेरोजगारी युवाओं में है उनको जो है किसी भी तरह से सोच समझ कर नगर पालिका पहुँचने के बाद, उस सीट पर पहुँचने, सम्मानित सीट पर पहुँचने के बाद उसके लिए भी कुछ रोज़गार ढूंढने का काम, और इतना पैसा नगर पालिका में आता है उससे बेरोजगारी खत्म होती है। किस तरह का चुनाव चल रहा है आपको, क्या अपेक्षा है जनता से? अपेक्षा जनता से है कि हमें पूर्ण इतने 100 में 200% से हमें बहुमत मिल रही है, प्लस जो लड़ रहा है इसको मुझसे लड़ रहा है, एक महिला से लड़ रहा है, 4 पुरुषों को ये शर्म नहीं आती, काम करने के लिए तो बाहर रहते हैं मगर लड़ाई लड़ने के लिए इस वक्त चुनाव में वो मैदान में मुझसे लड़ रहे हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि आपकी भाभी जीत चुकी है, आपकी हमारी जीत देवरों की जीत है, सबसे पहली जीत रुदौली शरीफ की, पूरे हर एक गरीब और महिलाओं की जीत होगी, युवाओं की जीत होगी, बूढ़े। नाम बताएं। मोहम्मद तारिक, ऑल इंडिया मजदूर के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार। रुदौली के किन मुद्दों को आधार बना के आप चुनाव मैदान में आए हैं? यदि आप चुनाव जीतते हैं तो किस प्रकार की जो है यहाँ पर बदलाव लाने का क्या लगता है आपको, क्या कमी है जिसको दुरुस्त कराना चाहिए, क्या नया रुदौली की जनता को आप देना चाहेंगे? मैं आपसे बताना चाहता हूं कि रुदौली नगर पालिका चुनाव में मैदान में हमारे आने का मकसद सबसे पहले रुदौली की जो तहजीब उसको वापस लाना है, और सबसे अहम मुद्दा हमारे लिए एक था कि रुदौली में लोग जितने भी नगर पालिका में अब तक जो है अध्यक्ष पद के चेयरमैन रहे हैं, तो लेकिन हमने बुनियादी समस्याओं को ध्यान दिया कि रुदौली में एक अच्छा स्कूल होना चाहिए जो नर्सरी से लेकर इंटर तक, जिसमें हमारे बहुत से गरीब बच्चे हैं,
जो अच्छी एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते हैं, तो उनके लिए हमने नगर पालिका के ज़रिए से एक अच्छा स्कूल जो है इंटरमीडिएट हमने बनवाने की रखा। दूसरी बात यह है कि रुदौली नगर पालिका परिषद में एक कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। इसकी वजह से मैंने देखा कि रुदौली नगर के लोग जो रुदौली छोड़ के हिलसर और हरनपुर जाते हैं, तो हमने ये भी सोचा है कि यहाँ पर एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें 24 घंटे सुविधा हो। इस पद के प्रत्याशी हैं आप? रुदौली नगर पालिका परिषद में किन मुद्दों को आधार बना के आप चुनाव मैदान में आए हैं? क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी इस चुनाव में? आपकी यदि अगर आप जो है चुनाव जीतते हैं तो जनता को किस प्रकार का बदलाव देंगे? 2012 में जिस समय रुदौली की आवाम ने अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान किया और विजय श्री प्रदान करके रुदौली नगर पालिका परिषद में पहुँचाने का काम किया, उसके उपरांत 5 वर्षों के कार्यकाल में रुदौली नगर का संपूर्ण विकास करने का जो हमारा संकल्प था, रुदौली की आवाम के सहयोग के कारण वह काफ़ी सफलता उसमें प्रदान हुई और मैं आगे या फिर अपेक्षा करता हूँ कि रुदौली नगर के लोगों ने जो सम्मान दिया है आगे देंगे, और मैं इस विश्वास दिलाता हूँ इस बात के लिए कि जो मूलभूत समस्याएँ हैं, जैसे कि अभी हमारी रुदौली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है, मैं प्राथमिकता के आधार पर रुदौली नगर में सीवर लाइन की व्यवस्था कराने के लिए संकल्पित हूँ। प्रत्येक नगर के जो भी आवास विहीन लोग हैं, मैं केंद्र और प्रदेश की सरकारों से सहायता प्रदान करके प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे सभी जिनके घरों पर जिनके पास घर नहीं है, छत विहीन लोग हैं, उनको आवास मुहैया कराने में अपनी भूमिका प्रदान करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत रुदौली नगर को संपूर्ण स्वच्छ बनाने में और रुदौली वासियों को स्वस्थ बनाने में यह अपनी भूमिका निभाने का काम करने वाले हैं। कहें कि संपूर्ण अपना समय रुदौली आम जनमानस की सेवा में संकल्पित एक सेवक की भाव भूमिका में रह करके सेवा करने का संकल्प लेते हैं और कार्य करते हैं।